हेलो फ्रेंड, आज कोई मैं रेसिपी वगैरह नहीं डाल रही। आज का वीडियो है, आज मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है आँख का, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल दिल्ली। दिल्ली में तो रहते हैं लेकिन हम बॉर्डर के पास रहते हैं, तो हमारे से कम 20 किलोमीटर है। तो देखिए हमारी गाड़ी आ गई है, हम लोग बैठ रहे हैं जाने के लिए। तो आज तो मैं एक तरह से खुश भी हूँ कि इनका आँख बनने जा रहा है। बहुत टाइम से इनका आँखों से रिलेटिव बहुत परेशानी था, मोतियाबिंद था, मेरी आँखों में भी था, तो मेरी सर्जरी हो गई। लेकिन एक आँख की तो मेरी खैर रोशनी है नहीं, उसकी फिर मैं करवाने वाली हूँ सर्जरी, तो फिर इनकी होने वाली है। तो ड्यूटी में बहुत परेशानी हो रहा था, बहुत मुश्किल का सामना कर रहा पड़ रहा था। मैं रोज़ बोल रही थी करवा लो करवा लो, तो फाइनली आज वो डेट आ गया और आज हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए 7:30 बजे घर से। तो ये देखिए हाईवे हम लोग को कर लिए, हमारे घर से निकलने के बाद आता है ये तो सोनीपत पानीपत से जो रोड निकलती है ना, ये सीधे आजादपुर जाएगी। तो हमारे घर से हॉस्पिटल 22 किलोमीटर दूर था। हम लोग आज वो सर्जरी के लिए निकल रहे हैं और इनकी आज सर्जरी हो जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम इनकी रोशनी वापस आ जाएगी। इनको बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रहा था, दिख रहा था। तो और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं आजादपुर का मुकरवा चौक पहुँच गए हैं। और आप जो देखते होंगे वीडियो में कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा वो कूड़े का जो ढेर है, वो देखिए यही है जो आपको दिखाई दे रहा है। और काफ़ी पॉल्यूशन भी था, अभी पता नहीं क्यों इस मौसम आते आते पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है दिल्ली का। जो आप देख रहे हैं सुबह सुबह इतना पॉल्यूशन दिख रहा है, और जो हम एरिया में रह रहे हैं उधर बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, और यहाँ पे देखिए कितना पॉल्यूशन है। अब यहाँ से 3-4 स्टॉपेज दूर है मॉडल टाउन, वहीं पे सर्जरी है। तो मैं आपको ये सीन दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद आज निकली हूँ, और दिनों नहीं महीनों के बाद, 10 महीने के बाद। और मैं इसीलिए नहीं निकलती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और देखिए अभी अक्टूबर और नवंबर आने वाला है और फिर भी गर्मी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे एरिया में तो साइड में है तो यहाँ पे सही है, लेकिन वहाँ बहुत ही गर्मी था, मैं पसीने पसीने हो रही थी। एसी चल रहा था फिर भी वहाँ बहुत गर्मी लग रहा था। और देखिए सुबह सुबह भी इतना रश था ना, ट्रैफिक सुबह सुबह भी इतनी भीड़ था और पूरा ट्रैफिक जाम था, थोड़ा ही सा दूर था। और हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, एक स्टॉपेज और दूर है। तो मैं आपको यहाँ का सीन दिखा रही हूँ, एक मेट्रो स्टेशन, ये देखिए लास्ट हम आजादपुर का मेट्रो स्टेशन पार कर रहे हैं, इसके बाद मॉडल टाउन आ जाएगा। और सुबह सुबह तो अच्छा होता है कहीं निकलो तो, नहीं तो दोपहर में तो काफ़ी ट्रैफिक मिल जाती है। तो देखिए फाइनली मॉडल टाउन आ गया और ये आई सेंटर आ गया, खन्ना आई सेंटर, यहीं पे सर्जरी है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, मैं तो पहली बार आई हूँ क्योंकि मेरा लाजपत नगर में हुआ था और एम्स में मेरा इलाज चला था। देखे होंगे आप मेरे वीडियो में कि पहले मेरी आँखें थी दोनों, और एक्सीडेंट में मेरी आँख की एक रोशनी बिल्कुल ही नहीं है और आँख पूरी दब चुकी है। तो मेरी भी सर्जरी होने वाली है, यही करवाऊँगी मैं भी, तो इनकी तो आज हो जाएगी फाइनली। तो मैं पहुँच चुकी हूँ, देखो सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए थे 8 बजे, बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है अभी क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, और टाइम जब होगा तो देखिएगा पूरा भीड़ लग जाएगा। तो फिर हमारी तो कागज़ सारा वो था, फिर हमने पेमेंट कर दिया आँखों का जितना चार्ज था। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अभी आए नहीं हैं, तो हमें रूम में शिफ्ट करने के लिए एक बुलाने के लिए आ गए कि चलिए आपको आपका रूम ऊपर है आप चलिए। तो फिर हम लोग लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारा रूम ऊपर ही था, हमें एक रूम मिला था, जब तक सर्जरी हो जाएगी तब तक उसमें रहना था हमें। तो हम ऊपर आ गए हैं और ये हमें साइड में एक रूम प्रोवाइड किया गया है। देखिए यही रूम हमें मिला था, अच्छा था, एक बेड
इधर था एक इधर, हमें तो 2-3 घंटे से मतलब था, 2-3 घंटों में सारा काम हो जाएगा और फाइनली हम 12 बजे तक फ्री हो चुके थे। यही था हमारा कमरा, ये देखिए एक बेड इस साइड था और एक इस साइड था, और इनको आधे आधे घंटे दवाई डालना था जब तक सर्जरी हो ना जाए। फिर मैं बैठी हुई थी क्योंकि अकेले अकेले तो बहुत टाइम लग जाता है ना, कोई है नहीं बात करने वाला। उसके बाद इनको दवाई डालनी पड़ रही थी टाइम देख देख के। उसके बाद इनका आ गया बीपी चेक का, तो बीपी चेक करने वाले आए और बोले कि नहीं अच्छा है, बीपी भी सही है और शुगर भी आपका लेवल सही है। फिर अब इनको सर्जरी के लिए बुलाने के लिए आए हैं, तो अब ये सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं। और देखिए फाइनली ये सामने ही था, ऊपर में ही था, सर्जरी होने वाली थी, तो ये चले गए। मेरे समय तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, लेकिन इन्होंने बताया इनका लेजर ट्रीटमेंट था, तो इनको तो इन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो हुआ था सर्जरी मेरी, मुझे तो बहुत दर्द हुआ था क्योंकि मेरे हाथों से मतलब सर्जरी थी। और देखिए वापस भी आ गए और बोल रहे हैं कि सर्जरी बहुत अच्छी हुई। मैंने पूछा कैसा हुआ, तो बताएं कि बहुत अच्छी हुई और मैं ठीक हूँ। लेकिन ठीक है अभी, लेकिन शाम तक बहुत परेशान हो गए थे। फिर अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी थी कि अब हम लोग घर जा रहे हैं। और अंशु सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग सोचे कि उसे भी खिला देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल गए जाने के लिए। और अब देखिए 7 दिन में फिर अब इनकी आंखें बहुत परेशान हो रहे थे, बिल्कुल लिखने पढ़ने वाला काम था इनका तो हो नहीं रहा था, बहुत प्रॉब्लम होती थी ड्यूटी पे इनको। तो देखिए हम लोग वहीं पे, रेस्टोरेंट था सम्राट मॉडल टाउन में, मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है, तो वहीं पे हम लोग गए क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ खाए हुए नहीं थे। और मैंने बताया था कि हमारा घर वहाँ से काफ़ी दूर है, फिर हम लोग वहाँ पे अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया क्योंकि एक बेटी मेरी पेपर देने गई थी और एक बेटी घर पे थी, और दिवाली की सफाई भी चल रही थी। फिर हमारा फाइनली खाना आ गया हमने जो ऑर्डर किया था, और फिर खाना खा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, फिर हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ जो यहाँ रहते हैं, यहाँ सम्राट होटल में जाके रेस्टोरेंट में खा के देखिए, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। हो गया ना? मॉडल टाउन में है। और फिर फाइनली हमारी गाड़ी आ गई और हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। देखिए हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं और हमें घर जाने में बहुत खुशी होती है। आप कहीं भी रहो दिन भर, लेकिन जब घर पे जाते हो ना शाम को लौट के, चाहे कभी भी, एक अलग ही खुशी होती है। अपना घर घर होता है, चाहे कहीं भी आप चले जाओ, स्वर्ग में भी चले जाओ, लेकिन घर में आने की खुशी एक अलग होती है कि अब हम घर जा रहे हैं। और इनके आँख पे तो पट्टी लगाया नहीं था क्योंकि लेज़र के था, बस चश्मा लगा दिया था और बता दिया था कि आपको क्या क्या करना है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ का दोपहर का समय हो रहा था और बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, जबकि नवंबर आने वाला है। और यहाँ ये जो मैंने आपको बोला ना सोनीपत से जो रास्ता निकल रहा है, तो यहाँ ये फ्लाईओवर एक बन रहा है जो सीधे कनेक्ट करेगा पालम एयरपोर्ट को। तो ये फ्लाईओवर मतलब इसका काम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। मैं तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ, उस समय थोड़ा ही सा कंप्लीट हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अगर ये बन जाएगा ना तो फिर पालम जो जाते हैं ना एयरपोर्ट, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग। फाइनली जो ये फ्लाईओवर बने हैं सोनीपत और पानीपत के, ये जो क्रॉस करती है ये जो हाईवे, तो ये बहुत ही अच्छा बना है। और इससे ना मतलब बहुत अच्छा हो गया, दोनों तरफ बना दिया ना सड़क, तो जल्दी ही मतलब पहुंच जा रहे हैं और ट्रैफिक उतनी नहीं हो रही है जितनी दिल्ली में ट्रैफिक होती है। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते थे जो
आधे घंटे का रास्ता हुआ करता था। देखिए अभी भी ट्रैफिक है, और फिर ट्रैफिक खुल जाती है तो फिर लगता है मन जान में जान आती है। देखो ये यहाँ पे काम चल रहा है और ये काम हो मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है, और ये बन जाएगा तो सबके लिए बहुत राहत का काम हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही थी कि देखो यहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। और ये हाईवे है जो, और यहाँ बारात घर बहुत ज़्यादा है। इस हाईवे पे साइड साइड में बारात घर बना हुआ है काफ़ी, और बहुत सुंदर लगता है आपको ऐसे देखने में, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और यहीं एक घाटू श्याम का मंदिर है जिसमें काफ़ी भीड़ लगता है, काफ़ी बहुत लोग जो जानते हैं यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी इधर ही है, इनकी PCR की गाड़ी इधर ही लगती है, तो जब ये ड्यूटी पर रहते हैं ना तो ये सारा इलाकों में इधर ही इनकी ड्यूटी लगाती है। तो मुझे इन इलाकों के बारे में जानकारी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं यहाँ 24 साल से रह रही हूँ, तो आना जाना होता रहता है। मेरे बच्चों का स्कूल भी यहीं पे है, साइड में जैन भारती, काफ़ी फेमस स्कूल है। और ये हाईवे मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ बिल्कुल गाड़ियाँ इतनी रफ्तार पर रहती हैं कि रुकती नहीं, और दिल्ली में जब अंदर आप घुस जाओगे ना तो इतनी ट्रैफिक मिलती है ना कि मतलब हालत ख़राब हो जाता है ट्रैफिक में, अगर एक बार आप फंस जाओ तो। किसी किसी को ना सफ़र देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए डाला था कि मतलब आप आई का भी डाल सकती थी थोड़ा सा, लेकिन मैं ये डाली कि देखो मतलब अभी दिल्ली का तापमान मौसम कैसा है, तो मतलब काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है और चलो इसमें से पर्स में से निकाल लें कोई यहाँ राहत से, नहीं है अभी, क्योंकि नवंबर आने वाला निकलवा है। दो उनको, तट तक निकलने तो हो जाता थोड़ा मौसम अच्छा, लेकिन तो अभी चलो कुछ मुझे भी दे नहीं दे है, और पॉल्यूशन लेवल भी बहुत चलो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आ गए देखिए हैं हम अड्डे पे, पहुँच गए हैं अपने देखो क्वार्टर आ गए पे, हैं। चलो आ गए, बिल्कुल मोड़ दे रहा, देख गाड़ी हमारी आराम से एंट्री चला कर रही है हमारी आगे, कॉलोनी देखो में, पुलिस इनका कॉलोनी में। वफादार। और वो हमें लग रहा है रिलैक्स कि हम अब घर आ गए फाइनली। बिल्कुल अगली बार तो मेरी बेटी गई थी, मैं बोल रही थी उसको पापा के साथ चली जाओ किसी तो को वो गई लो नहीं, मम्मी आप दे जाओ। देता हूँ उसको, दे मैं सोची मैं ही जाती दो मम्मी, हूँ, इसमें क्या इसमें होगा, दे दो अच्छा होता देखो। तो फिर जब मैं इसमें होंगे कॉलोनी में, गाड़ी आ गई, एंट्री हमारी कर गई। पूछ लो पापा से भी, मैं आज आपको हम लोग दिखा आए रही थी कि कितना तो दूर पट्टी है। लगा दिया, अभी मैं पट्टी आप नहीं वीडियो लगा में के, देखते हो, मैं ज़्यादातर घर का मेरे वीडियो जैसा बनाती हूँ, सर्जरी कोई बाहर नहीं नहीं सुनता, जाती हूँ क्योंकि काफ़ी कोई नहीं होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्जरी में रहना पापा को, गर्मी भी है, बहुत और सर्दी में सर्दियों में ही यहाँ पे निकलने में चलो सही बाय रहता है, बाय। गर्मी में